आरी चंता मौन भजन लाल कौन। राजस्थान के नए मुख्यमंत्री का नाम सुनकर पूरे देश की जनता अभी भी शॉक में है। आखिर राजस्थान में भजन लाल को ही मुख्यमंत्री के रूप में क्यों चुना गया, ये सवाल सभी के मन में घर कर गया है। आइए जानते हैं कि आखिर भजन लाल को ही राजस्थान का मुख्यमंत्री क्यों बनाया गया, जबकि वहां पर कई बड़े दावेदार मौजूद थे, जहां पर वसुंधरा राजे भी मौजूद थी, बालकनाथ की चर्चा हो रही थी, सीपी जोशी की चर्चा हो रही थी। भजन लाल शर्मा को मुख्यमंत्री पद पर चुनकर भाजपा ने राजस्थान के नेतृत्व में एक अनोखी पहल की है, और यह कहना काफी नहीं होगा कि राजस्थान में भजन लाल के जरिए बीजेपी ने वो दांव खेला है जो पूरे देश में हलचल मचा देगा। भजन लाल शर्मा ब्राह्मण है। राजस्थान में 1990 में हरिदेव जोशी आखिरी ब्राह्मण सीएम बने थे। राजस्थान में भाजपा नेता 33 साल बाद फिर से एक ब्राह्मण चेहरे को मुख्यमंत्री बनाया गया है। हालांकि यह पहले भी तय था कि राजस्थान का मुख्यमंत्री एक ब्राह्मण ही होगा। उत्तरी भारत में राजस्थान अभी पहला ऐसा राज्य है जहां पर एक ब्राह्मण मुख्यमंत्री होगा। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में ब्राह्मण चेहरे डिप्टी सीएम तो बनाए गए, लेकिन कभी सीएम नहीं बनाए गए। भाजपा ने अचानक एक झटके में एक ब्राह्मण को मुख्यमंत्री बनाकर यह धारणा तोड़ दी कि डिप्टी सीएम पद से आगे कोई ब्राह्मण नहीं बढ़ सकता। अब ब्राह्मणों के वोट का हिसाब देखा जाए तो राजस्थान में ही 8% ब्राह्मण है, उत्तर प्रदेश में 10-12, हिमाचल में 18, मध्य प्रदेश में 6 और बिहार में 4% ब्राह्मण है, जिनका वोट अब केवल भाजपा को मिलेगा। राजस्थान में एक ब्राह्मण को सीएम बनाकर ब्राह्मणों का वोट भाजपा ने अपने नियंत्रण में कर लिया। छत्तीसगढ़ में आदिवासी को सीएम बनाकर आदिवासियों का वोट, और मध्य प्रदेश में ओबीसी को सीएम बनाकर ओबीसी का वोट भाजपा ने अपनी तरफ कर लिया है। भाजपा का यह फैसला 2024 के चुनाव में बेहद कारगर साबित होगा। सिर्फ ब्राह्मण होने की वजह से भजन लाल को मुख्यमंत्री बनाया गया है, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप बेहद गलत सोच रहे हैं। जब भजन लाल शर्मा के नाम की घोषणा हुई तब मंच पर वसुंधरा राजे मौजूद थी। वह वसुंधरा राजे जिससे सबसे पहले जयपुर जा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने करीब 15 मिनट तक मुलाकात की, और फिर वसुंधरा राजे को साथ लेकर रक्षा मंत्री भाजपा विधायक दल की बैठक के लिए पहुंचे और पर्ची में भजन लाल का नाम लिखकर उनके हाथ में थमा दिया। राजस्थान के बदले हुई राजनीति का एक चैप्टर यह भी था। भजन लाल शर्मा का नाम इसलिए भी लिया गया क्योंकि वह कुछ नया सोचते हैं। भाजपा को एक नए चेहरे, एक नई सोच की तलाश थी, एक नए काम करने के तरीके की तलाश थी। भजन लाल शर्मा पहली बार विधायक बने और पहली बार में ही मुख्यमंत्री बन गए। भजन लाल शर्मा के मुख्यमंत्री बनाए जाने पर आपको क्या लगता है, भाजपा की कैसी रणनीति रही होगी, भाजपा की क्या सोच रही होगी, और क्या आप एक ब्राह्मण के मुख्यमंत्री बनाए जाने पर खुश हैं? अगर आप संतुष्ट हैं तो कमेंट जरूर करें। अगर आपको लगता है कि यह गलत है, बालकनाथ को बनाया जाना चाहिए था, वसुंधरा राजे को बनाया जाना चाहिए था, तो भी कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी और खबरों के लिए बने रहे NCR समाचार।